नमस्ते फ्रेंड्स, पार्कल किचन में आज हम बनाएंगे भरवा तोरे की सब्जी। अगर आपने एक बार इस तरह से भरवा तोरे को बना के ट्राई नहीं किया है तो आप इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करना। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सर बाउल ले लेते हैं और इसमें 10 से 12 कली लहसुन के ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने 2 प्याज को काट के ऐड कर लिया। अब हम वाइट तिल लेंगे, ये 1/3 कप वाइट तिल लिए है जिसे हम इस प्याज में ऐड करेंगे। वाइट तिल से हमारे मसाले का फ्लेवर और बाइंडिंग दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और ये मेरे मसाले की छोटी चम्मच है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम सब चीज़ों को मिक्सर जार में पीस लेंगे और हमें इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। अब हम मसाले को भून लेंगे और हमें इस मसाले को कच्चा सब्जी में नहीं भरेंगे, हम इसे भून के ही इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। भूनने से हमारे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो हम गैस की फ्लेम को चालू करेंगे और एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जितना सौंफ ऐड कर देंगे और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। और सौंफ से ना हमारे मसाले में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है। जब हमारी सौंफ भून जाएगी तो इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे और हमें इसमें सारा ही मसाला ऐड कर देना है और इसे हमें 2-3 मिनट तक भून लेना है। और जब हमारा मसाला 2-3 मिनट तक भून जाएगा, देखिए हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है और हमें लगातार इसे चलाते हुए भूनना है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे कटे हुए, ऐसे बीच में जगह करेंगे और बीच में हम टमाटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटे हुए टमाटर लिए। अब हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम टमाटर के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे, मसाले में हमने ऑलरेडी नमक ऐड कर दिया है और नमक को हम पहले टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और फिर हम टमाटर और नमक को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से फटाफट से गल जाए। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे और हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और इसे हम ऐसे दबा दबा के खुला 2-3 मिनट तक ऐसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ही भुना भुना और बाइंडिंग अच्छे से बाइंडिंग आने तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए ऐसे चलाते हुए दबाते दबाते हम इसे भून लेंगे ताकि हमारे सारे टमाटर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा हमारा भुना भुना मसाला बन के तैयार हो। और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम तोरे को छील लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम तोरे ली है जिसे हम ऊपर का छिलका निकाल देंगे और इसे पील कर लेंगे। देखिए हमें ऐसे पील कर लेना है और आगे और पीछे की डंडी को हम निकाल लेंगे और इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हम करेंगे। देखिए हमें इतने ऐसे टुकड़े करके हमें तैयार करने हैं। हमने यहाँ पे 2 इंच के इसके टुकड़े किए हैं। देखिए ऐसे हम छील के 2 इंच के टुकड़े कर लेंगे, ऐसे ही हम सारी तोरे को तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी तोरे को ऐसे छील के तैयार कर लिया टुकड़ा करके। अब हमें इसे बीच से कट लगाएंगे, हम पूरा नहीं काटेंगे, हम बीच से ऐसे आधा कट लगाएंगे। देखिए ऐसे हम सारी तोरे काट के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए हमारी तोरे सारी कट के रेडी है। तो अब हम मसाले को ठंडा हो गया तो उसे बाउल में निकाल लेंगे।
और इसे हम अब तोरे में भर देंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा मसाला बनके तैयार हुआ है, अब हम इसे तोरे में भर देंगे। देखिए तो हम ऐसे छोटी सी स्पून लेंगे, हम बड़ी स्पून से ये अच्छे से नहीं भरा जाएगा और फिंगर से भी ये अच्छे से नहीं भरा जाएगा, हाथ से भी। तो हम बहुत ही छोटी सी स्पून लेंगे और इसे ऐसे स्पून से ही भर देंगे। देखिए ऐसे, अगर हमारी स्पून छोटी होगी तो ये आसानी से अच्छे से भरा जाएगा। देखिए हम ऐसे सारे तोरे को भर देंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से बना है, तो हमारी तोरे भरने में भी हमें बहुत ही आसानी है। तो हम ऐसे ही सारी तोरे को भर के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी तोरे भर के रेडी है और इतना हमारा मसाला बच गया है। तो इस मसाले का हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को चालू करके एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। फिर जब जीरा भुन जाएगा तो इसमें हम तोरे को ऐड कर देंगे। और हमें ऐसे एक एक करके सारी तोरे को ऐसे फैला के ऐड करना है, एक के ऊपर एक नहीं ऐड करेंगे, हम ऐसे फैला के ही करेंगे। इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है। इस तरह से ऐड करने से हमारी तोरे बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार होती है। अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब हम सारी तोरे को ऐसे पलट देंगे। इस तरह से भूनने से हमारी तोरे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और ये बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। देखिए ऐसे ही हम सारी तोरे को पलट देंगे और हमें इसे पलट पलट के इसे 2-3 बार ऐसे पका लेना है। अब हम इसे वापस से ढक देंगे और वापस से 2-3 मिनट तक इसे पकाएंगे। हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और हमें नमक तोरे के हिसाब से ही ऐड करना है क्योंकि मसाले में तो ऑलरेडी नमक है। और इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे और बाद में हम इसे वापस से ऐसे पलट देंगे। देखिए तो हमारी तोरे आधे से ज़्यादा पक चुकी है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। जब हमारी तोरे 50 से 60% पक जाए उसके बाद हम उसमें जो बचा हुआ मसाला है वो ऐड कर देंगे। और इसमें हम 1 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे, मतलब 250 ml जितना हमें इसमें पानी ऐड करना है। और मसाला हमारा भुना हुआ है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए ऐसे हम पानी के साथ मसाले को मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी में मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट वापस से ढक के पकाएंगे और हम चेक कर लेंगे। अगर हमारी तोरे पक चुकी है तो हम इसकी वापस से नहीं पकाएंगे, और अगर थोड़ी सी कच्ची है तो हम इसे 2-3 बार ऐसे चेक करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। जब हमारी तोरे ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए अभी तक हमारी तोरे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई है, तो एक बार और हम इसे ढक के पका लेंगे। और हमें गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे ही इस सब्जी को बना के तैयार करना है। तो देखिए तेल भी ऑयल भी सारा हमारा ऊपर आ गया और हमारी तोरे एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे एक बार चला के गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए हमारी बहुत ही प्यारी और टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार है। देखते ही खाने का मन कर जाए ऐसी सब्जी बनी है। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करना। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे रोटी, पराठे या
इवन इसे बाजरी की रोटी, मक्की की रोटी किसी के साथ इसे सर्व कर सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।